प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटे से कार्य से यह बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप यह जान सकते हैं कि आपका विवाह किस वर्ष में होगा, उस वर्ष आपकी उम्र क्या होगी, साथ ही किस महीने में आपका विवाह होने वाला है। यह आप किस प्रकार जान सकते हैं? अगर आपको अपने विवाह के संबंधित कुछ जानकारी चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि आपका विवाह कब होने वाला है, तो आज की यह वीडियो आप ध्यान पूर्वक देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा और साथ ही आप यह जान जाएंगे कि आपका विवाह कब होने वाला है। यह जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ वह अंक शास्त्र का है। अंक शास्त्र के आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होने वाला है। इस पर पूर्व में भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें आप अपने नाम से जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होने वाला है, वह वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार अपने जन्मदिवस से यह जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होने वाला है। तो आइए अब ज्यादा विलम्ब ना करते हुए आज की यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप एक पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, उससे पूर्व एक प्रश्न ले लेते हैं। यह प्रश्न है संजय जी का। इनका प्रश्न है कि इनकी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होंगी। अगर इनकी कुंडली को देखा जाए तो इनकी कुंडली में लग्नेश मंगल बनते हैं और वह चतुर्थ भाव में है, साथ ही लग्न में नीच के राहु है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें जीवन में संघर्ष अवश्य करना पड़ सकता है क्योंकि साथ ही अष्टम में शनि भी बैठे हुए है और इस कुंडली के प्रमुख ग्रह गुरु भी सूर्य से अस्त है। साथ ही धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी जो बुध है वह भी सूर्य से अस्त है, तो ऐसे में इन्हें जीवन में धन के लिए भी संघर्ष अवश्य करना पड़ रहा होगा। तो इन्हें यह करना चाहिए कि अपनी तर्जनी उंगली में एक पुखराज धारण कर लेना चाहिए, साथ ही राहु और चंद्रमा को ठीक करने के लिए, साथ ही धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन शिव जी की और गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जितनी अधिक यह गणेश जी और शिव जी की पूजा करेंगे उतना अधिक अच्छा इनका धन लाभ भी होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। वर्तमान समय में इन्हें शनि की मध्यम साढ़े साती भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें धन की स्थिति भी परेशान करती होगी, साथ ही मानसिक तनाव भी बना रहता होगा। तो ऐसी स्थिति में इन्हें प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अधिकाधिक हनुमान जी की पूजा करें ताकि इनकी शनि और साढ़े साती की जो पीड़ा है वह दूर हो सके और साथ ही इन्हें जीवन में अच्छा धन लाभ भी प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में इन्हें गुरु की दशा चल रही है जो इनके जीवन की श्रेष्ठ दशा है। आगे शनि की दशा आएंगी वह भी इन्हें अच्छा प्रभाव दिलाने वाली है, परंतु उसके उपाय इन्हें अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए ताकि जब वह दशा आए तो इन्हें और अच्छा उसका परिणाम प्राप्त हो। तो यह था संजय जी का प्रश्न का उत्तर। अगर आप भी अपने किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको इसी वीडियो के कमेंट में लिख देना है। आगे आने वाली वीडियो में आप में से किसी एक का चयन कर उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। अब हम बढ़ते आज की वीडियो की ओर। सर्वप्रथम आपको अपनी जन्म तिथि से जन्म तारीख से यह देख लेना है कि आपका जन्म किस दिन हुआ है, अर्थात उस दिन क्या वार था। आप इसे आसानी से देख लीजिए। आपके पास अगर जन्म कुंडली हो तो उसमें भी लिखा होगा। अगर सिर्फ आपको जन्म की तारीख मालूम है तो उसे भी आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए उस दिन क्या वार था, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसे आप एक कागज पर एक और लिख लीजिए, अर्थात सोमवार से लेकर आपके पास रविवार तक की कोई भी वार आ सकता है। आप अब स्क्रीन पर देखिए कि आपको सोमवार से लेकर रविवार तक वार लिखे हुए दिख रहे हैं और साथ ही उनके सामने 3 अंक लिखे हुए दिख रहे हैं। जैसे सोमवार के सामने लिखा है 386, मंगलवार के सामने 288, बुधवार के सामने 378, गुरुवार के सामने 874, शुक्रवार के सामने 786, शनिवार के सामने 388 और रविवार के सामने 756 लिखा हुआ है। आप इसी प्रकार देख लीजिए कि आपका कौन सा वार है और उसके सामने कौन सा अंक लिखा हुआ है, यह भी आप लिख लीजिए। इतना करने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि जो 3 अंक आए हैं उन्हें जोड़ देना है। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाते जाता हूँ। हम मान लेते हैं आपका जन्म रविवार के दिन हुआ है। एक रविवार के दिन हमने जन्म लिखा है तो एक और हमने लिख लिया रविवार। रविवार के सामने अंक है 756। अब हम यह करेंगे कि 7, 5 और 6 तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ने पर आता है 18। अब 18 आया है तो 18 को आप यह करें कि 18 में जो पहली संख्या है 7 उसे भी जोड़ दीजिए, दूसरी संख्या 5 उसे भी जोड़ दीजिए और साथ ही तीसरी संख्या जो 6 है उसे भी जोड़ दीजिए। अब यह जोड़ने के बाद आप देखिए आपको क्या अंक प्राप्त होते हैं। जैसे 7 और 18 को जोड़ेंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा,
5 और 18 को जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा, 6 और 18 को जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप अपने वार के साथ कीजिए और आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ हमें 25, 23 और 24 वर्ष से प्राप्त हुआ, अर्थात जब इस जातक या जातिका की उम्र 25, 23 या 24 वर्ष की होगी तब इनका विवाह होगा। साथ ही अगर आपको किसी कारण से इन वर्षों में विवाह नहीं हो पाता है और कई विलंब किसी भी कारण से हो जाता है, पारिवारिक स्थिति के कारण, आपकी नौकरी ना होने के कारण और ग्रहों की किसी स्थिति के कारण अगर इन वर्षों में आपका विवाह नहीं हो पाता है तो आप यह करें कि पुनः 25 जो आया है उसमें 7 जोड़ दीजिए तो आपको 32 प्राप्त होगा, जो 23 आया है उसमें 5 जोड़ दीजिए तो आपको 28 प्राप्त होगा और जो 24 आया है उसमें 6 जोड़ दीजिए तो आपको 30 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप भी अपने वार के साथ देख लीजिए और आप जान जाएंगे कि आपका विवाह किस वर्ष में होने वाला है। जिस प्रकार यहाँ पर निकला है 23, 24, 25 और साथ ही 28, 30 और 32, अर्थात यह जो वर्ष आए हैं इसमें आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप कोशिश करें और ग्रहों की स्थिति भी आप अगर जान लीजिए कि किस प्रकार की है तो आपको भी उनके अनुसार विवाह के जो योग बनेंगे उसमें सफलता अवश्य मिल जाएंगी। इसे आप अपने वार के अनुसार देखिए कि आप पर कौन कौन से वर्ष निकल कर आते हैं। अब इसके साथ ही अगर आपको यह देखना है कि आपका जो विवाह है वो किस महीने में होगा तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यह जो वर्ष आए हैं उन्हें भी आपस में जोड़ देना है, अर्थात जो 25 वर्ष आया है उससे आप यह करें कि 2 और 5 को भी जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त होगा 7 और 7 का अर्थ होता है जुलाई। अब इसके बाद 2 और 3 को भी जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त होगा 5 अर्थात मई का महीना और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6 अर्थात जून का महीना। इसी प्रकार आप भी देख लीजिए कि आपको कौन कौन से महीने प्राप्त होते हैं, इससे आप जान सकते हैं कि आपका विवाह किस वर्ष में होगा और साथ ही किस महीने में आपका विवाह होने वाला है। इस आसान सी विधि से आप आसानी से जान जाएंगे कि आपका विवाह किस वर्ष में होने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य कर दीजिए, आपको शीघ्र ही उत्तर दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसी ही रोचक जानकारी आपके लिए हम लेकर उपस्थित होते रहते हैं। अब मैं आपसे आज का प्रश्न पूछता हूँ। आज का प्रश्न यह है कि आपको बताना है कि प्रत्येक वार के सामने कितने अंक की संख्या लिखी हुई है। यह आपको आज की वीडियो के कमेंट में उत्तर में लिखना है। साथ ही आप अपनी डिटेल्स भी लिख दीजिए और अपना एक प्रश्न भी लिख दीजिए। आगे आने वाली वीडियो में आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।